वो लोग जिन लोगों की एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, लोग सोचते हैं कि एक मुलाकात उनसे हो जाए, एक सेल्फी उनके साथ खींच जाए, या फिर एक इंस्टाग्राम पर लाइव उनके साथ हो जाए। लोग तरस जाते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े स्टार हों, चाहे वो गुरदास मान जैसी हस्ती हों, मनकीरत ओलख हों, या फिर पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके तमाम वो स्टार हों, उन फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के स्टार हों। लोग तरस जाते हैं उनसे बात करने के लिए। पर आप देखें, ये उस फ़कीर का दर है जहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो उनका भी सर झुक जाता है। चाहे वो गुरदास मान जैसी बड़ी हस्ती हों, वो भी जब इस दर पर जाती हैं ना, तो वो अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझती हैं कि मुझे इस दर को पार करने का मौका मिला, मुझे इस दर के अंदर जाने की इजाज़त है। नकोदर, नेकी का दर, नेकी का दरवाज़ा। बाबा गुलाम शाह, बाबा मुराद शाह, ये वो फ़कीर लोग हैं जिन्होंने धर्म, जात पात, जिन्होंने जुल्म, जिन्होंने गरीबी, जिन्होंने लड़ाई झगड़ों से खुद को ऊपर उठाया, जिन्होंने लोगों की सेवा की, जिन्होंने गरीबों के दुखों को दूर करने का काम किया, जिन्होंने लोगों का उद्धार करने का काम किया, इनके दर पर सब बराबर है। यहाँ कोई धर्म जात पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है यहाँ। आए, आपको ले चलते हैं नकोदर के इस पवित्र स्थान पर, आप भी इस पवित्र स्थान का नज़ारा करें। आपको यहाँ खामोशी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ। लोगों में यहाँ पर ललक है, एक लालच है लोगों के अंदर कि सरकार के दरबार में पहुँच जाएं एक बार, अपनी अर्जी लगा दें और देखें कि कब अर्जी पर दस्तखत होते हैं। भगवान लोगों के मन में बसता है, लेकिन आजकल के इस माहौल में हम लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा यहाँ पर ढूंढते हैं। भगवान को हम ईंट मिट्टी के गारे से या गारे से बने हुए मकानों के अंदर नहीं ढूंढते। आज तो कंक्रीट की बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट की बिल्डिंगों में नहीं रहता भगवान, वाकई इंसान में, मन इंसान के मन में बसता है भगवान। तभी तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो मन में गंगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आदमी के कर्म अच्छे हों तो हज पर जाए या ना जाए उसका हज हो जाता है। लोगों की सेवा करना, गरीबों के काम आना, ज़रूरतमंदों के काम आना, बीमारों के काम आना, एक गरीब बाप जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है उसके काम आना, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। यहाँ कोई भी जात पात नहीं।